बहुत बहुत बधाई यहां खड़े सभी साथियों को, दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के देश भर के कार्यकर्ताओं को, सबको बहुत बहुत बधाई। और साथ साथ दिल्ली की जनता को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने 15 साल की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर ईमानदार, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। इसके लिए दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। यहां बैठे, यहां आए हुए बहुत सारे कैंडिडेट्स मैं देख रहा हूं, आप सबको भी, सभी एमएलए को, सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब बधाई। आज दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। यह सिर्फ जीत नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी, दिल्ली को चमकाने की जिम्मेदारी, दिल्ली के एक एक गली को शानदार करने की जिम्मेदारी। तो मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, हमको लीड करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने विजन से, अपने कार्य से, अपने दूरदृष्टि से देश को एक ऐसी राजनीति दी है जिससे लोग काम की राजनीति को वोट करते हैं। मैं आगे के लिए अब अपने भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री मानजोग भगवंत मान जी को बुलाना चाहता हूं, वो भी अपने दो शब्द यहां पे रखें। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से भी। इनकलाब, भारत माता की वंदे। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इलेक्शन लड़ते नेता हैं लेकिन फाइनल जनता करती है, तो जनता जीत गई। आज 15 साल बाद एमसीडी में जनता जीत गई, नेता हार गए। आपने अपने दोस्तों को, अपने बड़े छोटे भाइयों को जिताया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे एमसीडी भी दे दो, मैं ये भी ठीक कर दूंगा। देखो, दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है और आम आदमी पार्टी 10 साल की हुई अभी 26 नवंबर को, और दिल्ली, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली भी जीती है और दिल भी जीते हैं। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो आप लोगों ने हमारे दिल जीते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने बाहर आके वोट किया, आपने विश्वास जताया, चाहे वो दिल्ली में हो, तीसरी बार, चौथी बार हो गया अब तो एमसीडी, पंजाब में हो, और कल शाम तक आपको गुजरात में भी ऐसा मिले। आज एक प्रवक्ता, बीजेपी का पत्रकार कोई था, वो प्रवक्ता ही होते हैं उनके, तो कह रहे जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं आज का जो पोल, एग्जिट पोल वो गलत साबित हो गया, जो 170-180 बोल रहे थे वो नहीं आई। मैंने कहा अच्छा चलो, आज वाला गलत साबित हो गया तो कल वाला गलत साबित नहीं हो सकता? जो कल होगा वो भी गलत साबित होगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा। कल सुबह जैसे आज उठे होंगे 6 बजे, इधर उधर तैयारी की, 8 बजे टीवी लगाया, 4 बजे उठे, है ना, कल भी उतने बजे उठना है। और कल जब 8:15 बजेंगे आपको, नहीं वैसे तो ये जो मीडिया है ना, सभी नहीं,
जो आए हैं इनकी हिम्मत को भी दा देता हूं, धन्यवाद भाई साहब, आ तो गए यहां। वो इतने वफादार हैं कि रुझानों तक एंड तक उनकी बात ही करते हैं, लेकिन परिणामों तक नहीं कर सकते ना। वो तो फिर बताने ही पड़ेंगे रुझानों तक। तीन, एक चैनल देखा आज मैंने, वो तीन बार उसकी एंकर जो थी, तीन बार उसने बधाई दी बीजेपी को, बीजेपी आ गई है, बीजेपी। अरे यार मैंने कहा ये क्या हो रहा है। जब आप वो कह रही है नहीं 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 ये आंकड़े तो गलत थे, तो अब क्या कहना चाहेंगे आप। हद है, हद 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 हद, कोई बात नहीं, हमारा मीडिया तो ये बैठा है। और मैं आपको दिल से बधाई देना चाहता हूं, और जो राजनीति की दशा और दिशा बदलने के लिए रामलीला ग्राउंड से पार्टी निकली, अरविंद जी निकले, वो काफिला बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। देखिए हम वादे नहीं करते, हम गारंटियां देते हैं कि 1 जुलाई से हमने गारंटी दी थी, 1 जुलाई से पंजाब में बिजली के बिल हमने फ्री किए। 75 लाख मीटर हैं, उसमें से 61 लाख मीटरों को बिजली का बिल जीरो आया जी। और अगला दिसंबर का बिल 67 लाख, जो 67 वाला हमारा आंकड़ा नहीं है, जब पहली बार 70 से जीते थे, 67 लाख घरों को जीरो बिल आएगा। जनवरी का नए साल का तोहफा पंजाबियों के लिए यह होगा आम आदमी पार्टी का, 71 लाख घरों को जीरो बिल आएगा सर। और ये हम हवा में नहीं बताते कि आपके खाते में 15 लाख आ जाएगा वगैरह वगैरह, हम तो करते हैं भाई, हम 15 लाख नहीं, हम तो ये कहते हैं आपकी शिक्षा फ्री हो जाएगी, आपका स्कूल अच्छे हो जाएंगे, बिजली फ्री हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा, और महिलाओं के लिए हमने अलग से सम्मान राशि रखी हुई है, और बाकी हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड लेवल के हो जाएंगे। देखो हम तो बोलते ही रहते हैं, हम तो बोलते रहते हैं, एक सिर्फ 25 सेकंड के लिए आप अपने दिल की भड़ास चीख मार कर जो निकालना चाहते हो निकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिहाल, भारत माता की, इनकलाब। अब मैं बुलाना चाहूंगा देश की राजनीति को एक नया मोड़ देने वाले आप सबके लोकप्रिय अरविंद केजरीवाल साहब। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब वंदे। सबसे पहले दिल्ली के लोगों को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं मैं। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा कि उन्होंने आज हमारे को नगर निगम की भी जिम्मेदारी दी है। अभी तक उन्होंने हमें जो जो जिम्मेदारियां दी, दिल्ली के लोगों ने शिक्षा की जिम्मेदारी दी, स्कूलों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए,
लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है, कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। आई लव यू टू। जितने कैंडिडेट्स जीते हैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, भारतीय जनता पार्टी वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, कांग्रेस वाले जो जीते हैं उनको भी बधाई, निर्दलीय जो जीते हैं उनको भी बधाई, और जो हारे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मायूस मत होना, दिल्ली को ठीक करने में हम आपका भी सहयोग लेंगे। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली, अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। और आज के बाद से मैं सभी पार्टियों का भी सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि हम सारी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे। जिन लोगों ने हमें वोट दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको मैं कहना चाहता हूं पहले आपके काम कराएंगे फिर दूसरों के काम कराएंगे। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है, और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री से भी, प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। अब दिल्ली को साफ करना है, कूड़ा ठीक करना है, करना है कि नहीं करना है? इसमें सबकी ड्यूटी लगेगी, बच्चों की भी ड्यूटी लगेगी, महिलाओं की भी ड्यूटी लगेगी, बुजुर्गों की भी ड्यूटी लगेगी, युवाओं की भी ड्यूटी लगेगी, अकेले हमसे नहीं होगा। दिल्ली के 2 करोड़, अपना ये परिवार है ना, मैं बार बार बोलता हूं, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का परिवार है, 2 करोड़ लोग हम सारे मिलकर दिल्ली की सफाई करेंगे। अपने को भ्रष्टाचार भी दूर करना है। अभी तक जो सारा सिस्टम चल रहा था लूटपाट का, लेंटर पे पैसे लेने का, ये सब खत्म करना है। अब अपने को, जैसे दिल्ली सरकार साफ सुथरी करी हमने, दिल्ली सरकार के अंदर अब भ्रष्टाचार नहीं होता, ऐसे ही अब नगर निगम को भी साफ करना है। सारे हमारी तरफ देख रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और दिल्ली के लोगों ने तो पूरे देश को एक मैसेज दिया है, सारे देश को एक मैसेज दिया है। क्या मैसेज है? मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता,
कई कई सालों के नेता, पुरानी पार्टियों वाले सब कहते हैं केजरीवाल जी आप जो करते हो इससे वोट नहीं मिलते, वोट लेने के लिए राजनीति करने के लिए थोड़ा सा गाली गलौज करनी पड़ती है, तू-तू मैं करनी पड़ती है। मैं आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं हम गाली गलौज करने नहीं आए, हम शरीफों की पार्टी है, हम अच्छे लोगों की पार्टी है। जब भी कोई आम आदमी पार्टी वाले को देखे तो उसके मन में श्रद्धा जागनी चाहिए, उसके मन में एक रेस्पेक्ट होनी चाहिए, यह आम आदमी पार्टी वाला है। हमें कोई कितना भी उकसाए हमें गाली गलौच नहीं करना, हमें नेगेटिव राजनीति नहीं करनी। लोग कहते हैं कि आप ये स्कूल बनवाते हो, अस्पताल बनवाते हो, इससे वोट थोड़ी मिलती है। आज दिल्ली के लोगों ने सारे देश को मैसेज दिया है कि स्कूल और अस्पताल से भी वोट मिलती है। अगर हम स्कूल और अस्पताल नहीं बनाएंगे, सड़क ठीक नहीं करेंगे, बिजली ठीक नहीं करेंगे, पानी ठीक नहीं करेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे तो देश की तरक्की कैसे होगी? देश की तरक्की तो असल मुद्दों से होगी ना, जो आम आदमी पार्टी उठा रही है। आज दिल्ली में चौथा चुनाव जीते हम स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, इन मुद्दों के ऊपर। तो दिल्ली के लोगों ने आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि पॉजिटिव राजनीति करो, नेगेटिव राजनीति बंद कर दो। हमने पूरा चुनाव हमने पॉजिटिव तरीके से राजनीति की, मुद्दों की राजनीति की। हम जनता में जाके क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं जी हमने आपके बच्चों के लिए स्कूल बना दिया, हमको वोट दो। हम ये कहते हैं जी हमने आपके परिवार के लिए इलाज का इंतजाम कर दिया, हमको वोट दो। हम गाली गलौज तो नहीं करते, दूसरों के साथ मारपीट तो नहीं करते, झूठे झूठे इल्जाम तो नहीं लगाते। तो ये पॉजिटिव राजनीति को आगे लेके जाना है। और मेरा दिल कहता है कि जैसे जैसे देश के अंदर ये पॉजिटिव राजनीति बढ़ेगी, हमारे देश को दुनिया का नंबर वन देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और यही है जो देश को आगे बढ़ाएगा। गाली गलौज से देश आगे नहीं बढ़ेगा, गुंडागर्दी से, लफंगई से, मारपीट से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। 75 साल बीत गए इस देश को, 75 साल में हम पीछे रह गए। अब टाइम नहीं है, जनता बड़ी बेचैन हो रही है। अब अगर अपने को अपने देश को आगे ले जाना है, पॉजिटिव राजनीति करनी पड़ेगी, विकास की राजनीति करनी पड़ेगी। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ये असल मुद्दे हैं जिसकी वजह से देश परेशान है, इनकी राजनीति करनी पड़ेगी। मैं फिर से दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और सबको एक चीज और कहना चाहता हूं, अहंकार मत करना। बड़े बड़े सत्ता गिर गए हैं अहंकार से, अहंकार कभी मत करना। कई सारे आप में से काउंसलर बने हो, कई सारे आप में से एमएलए भी बने हो, कई सारे आज मान साहब भी खड़े हैं, पंजाब के हमारे मंत्रीगण भी सुन रहे होंगे, उन सबको मैं कहना चाहता हूं कोई अहंकार मत करना। अगर हमने अहंकार किया तो ऊपर वाला जनता माफ करे ना, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा, आपके पतन पक्का है उसके बाद। भारत माता की। हेलो सभी जो कैंडिडेट्स